पूजा आप देख रहे हैं जनित आवाज़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ ए पी जे अब्दुल कलाम मार्ग यहाँ पर ईडी दफ्तर है ईडी कार्यालय है और यहीं पर जो है आज राहुल गांधी जी की पेशी है और यहाँ पर जो है अभी अंदर राहुल गांधी जी मौजूद हैं और साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी अंदर मौजूद है लेकिन आप सामने देख लीजिए यहाँ पर पूरा नज़ारा किस तरीके से है पूरा रोड जो है बैरिकेटिंग कर दिया गया है पूरा रोड पर कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी सिवाय नेशनल यहाँ पर मीडिया वगैरह कर्मी मौजूद हैं साथ में यहाँ पुलिस कर्मी मौजूद हैं और सामने आप देख सकते हैं किस तरीके की टू लेयर बैरिकेटिंग की हुई है जिससे कि कोई अंदर आ ना सके और उसके बाद जो है पूरी जो फोर्स है पुलिस फोर्स वो मौजूद है और लगातार ये नज़ारा जो है सुबह के 11 बजे से बना हुआ है और इससे पहले जो है राहुल गांधी और उनकी बहन जो प्रियंका गांधी है वो पहले पहुंची थी कांग्रेस ऑफिस कांग्रेस ऑफिस में पहले वो वहाँ पहुँचे उसके बाद जो है राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने वहाँ से थोड़ी दूरी पर चलकर पैदल मार्च की थी उसके बाद जो है वहाँ पर सत्याग्रह सभी राज्यों में किया जा रहा है पूरे देश में जो कांग्रेस के जितनी भी पार्टी है वो पूरा सत्याग्रह कर रहा है सभी लोग जो है कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो सभी आज सत्याग्रह कर रहे थे उसी के चलते जो है सबको अरेस्ट कर लिया गया इसी में उदित राज परिसंघ के नेता हैं उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया है इसी तरीके से लगातार वहाँ के जितने भी नेता सत्याग्रह कर रहे थे चाहे कार्यकर्ता हो उनको अरेस्ट करके गाड़ी में भर के लेके गए हैं अब सामने देख सकते कितनी पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं लगातार यहाँ पर एक के बाद एक पुलिस गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पर पूरा जो है इस तरीके से नज़ारा है धारा 144 जो है लगा दी गई है सत्याग्रह किया जा रहा था उसको रोक दिया गया क्योंकि जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं वो भी जो है लगातार वहाँ से जब चल रहे थे तो उसके बाद जो है उनको रोक दिया गया और उसके बाद ईडी ऑफिस उन्हें पेश होना था और ई ऑफिस यहाँ सामने ही है ई कार्यालय आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर भी टू लेयर की बैरिगेटिंग की हुई है और लगातार यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी मौजूद मौजूद हैं अंदर अब जो कुछ भी हो रहा होगा उसके बारे में भी हम अगर जानकारी मिलेगी तो हम उसके बारे में भी बताएंगे लेकिन अभी जो है लगातार अंदर ही हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर अंदर मौजूद है और धारा एक के तहत यहाँ पर पूरा जो है सुनसान जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से हो चुका है धारा एक लगा दी गई है और सभी जगह बैरीगेटिंग कर दी गई है जितना भी चौबीस अकबर रोड से लेके आप अगर अंदर आते हैं और ये पूरा ए पी जे अब्दुल कलाम मार्ग है यहाँ पर भी बैरीगेटिंग पूरी तरीके से की हुई है आप देख सकते हैं और इसी के चलते ईडी की जो नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है कांग्रेस के राहुल गांधी उनको आज पेशी के लिए बुलाया गया था इसी के चलते पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह पर बड़ी चोट करते हुए जो पुलिस वालों ने है उनको अरेस्ट कर लिया और गाड़ी में ठूस कर ले गए और उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने ये भी कहा है कि जो है भाजपा पार्टी जो इलेक्शन कमीशन जो है इनका बिका हुआ है इसी के चलते वो पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है इसीलिए ये इस तरीके का काम कर रहे हैं और लगातार इस तरीके के छापे मारी कर रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा बयान दिया है ऐसा कहा जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस टुकड़ी सारा जगह मौजूद है यहाँ से वहाँ तक सभी जगह पर मौजूद है और अभी भी मैं भी इसी यहाँ पर मौजूद हूँ मगर अभी अंदर क्या कुछ चल रहा है ये अभी हम बता नहीं सकते हैं जैसी जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएँगे लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है साथ में सोनिया गांधी के ऊपर भी इस तरीके की जो है पेशी आज होनी थी उसी के चलते यहाँ पर पेशी है अंदर में और जो है राहुल गांधी और ये सब सभी लोग कांग्रेस के प्रवक्ता और पार्टी के नेता और ये सभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से पैदल चले थे पैदल चलने के बाद जितने भी कार्यकर्ता थे जितने भी नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया आप देख सकते हैं अभी लगातार यहाँ सी की जो है गाड़ी अंदर जा रही है ये सब भी अंदर पहुँच रहे हैं लगातार इसी तरीके का नज़ारा बना हुआ है धारा 144 लगा दी गई है एक सत्याग्रह किया जा रहा था उस सत्याग्रह को रोक दिया गया है आप देखते रहिए जनहित आवाज़ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग दिल्ली